हमारे बीच हमारे कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारे बीच बाकी मेहमान भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शिवरात्रि का महापर्व बहुत ही समीप है और इस महापर्व के लिए विशेष हम सभी एक विशेष झांकी का आयोजन किया गया है, ताकि शिवरात्रि के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को हम जान सके। कार्यक्रम की शुरुआत करें और हमारे अंदर का वह नेत्र खुलता है, हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव भावनाएं दुर्भावनाएं भरी हुई है और उस ज्ञान के आधार से वो पर्दा हट जाता है और हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं आती हैं, सद्भावनाएं जागृत होती हैं, वो दिव्य चक्षु खुलता है। सबसे पहले शिवरात्रि जयंती की शुभकामनाएं डॉली बिंद्रा की तरफ से सभी ब्रह्मा कुमारी के प्यारे प्यारे भक्तों को और प्यारे प्यारे लोगों को यहाँ पर जो उपस्थित हैं। जिंदगी बहुत छोटी है कहते हैं लोग, मैंने कहीं ये सुना है, पर सच्चाई है क्या ये? इसलिए कहते हैं हंसते हंसते दिन बीतने चाहिए जिंदगी में। आज की तारीख में कलयुग जो चला आ रहा है, जिस तरीके से आज की तारीख में जो कलयुग चला आ रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। नफरत की भावना, इश्क की भावना, इतनी बड़ी जेलसी होती जा रही है सभी इंडिविजुअल में कि कहीं ब्लास्ट होते जा रहे हैं। आज का मौका नहीं है इस सब बात करने का, पर ये सुनते जिस तरीके से किंतु बहन जी ने कहा है, पेपर खोले तो अभी आपको सभी सब यही चीजें सुनाई में पड़ती है। हर एक इंसान चाहता, आप जानोगे आप मानोगे नहीं ये बात, पर मैं आपको एक कहना चाहूंगी जो सच्चाई है। मैंने पेपर पढ़ना 25 दिनों से बंद कर दिया, मैं थक गई हूं वो खबरें देखकर, वो सुनकर, फॉल्स केसेस, लोगों को जबरदस्ती अंदर करना, सीनियर सिटीजन को मारना, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए कहते हैं शाउट आउट, अपनी आवाज खुद बने आप, गलत बात बर्दाश्त ना करें जिंदगी में, एकता बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। अगर आप में सब में एकता है तो कहीं कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। और हां, लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं भगवान है, मैं बोलती हूं सिर्फ भगवान ही है। मैं ये प्रार्थना करती हूं लोगों से और ये कहना चाहूंगी, हां डॉली बिंद्रा ने भगवान देखा है, साक्षात देखा है, मेरी मां ने देखा है, मैंने देखा है, ये मैंने नागपुर में साईं बाबा के मंदिर के दरबार में देखे थे। हकीकत में मेरी सास लॉस एंजलिस से आई थी, मैं दर्शन करने गई थी, मेरे देवर की शादी थी नागपुर में, वहां देखा साईंनाथ जी का मंदिर। मैं वहां गाड़ी से जा रही थी, मैंने बोला यहां मुझे आना है दर्शन के वास्ते, मैं होटल गई, होटल से चेंज करके मैं सीधा दर्शन के लिए गई। आप मानोगे नहीं, मेरे साथ ये वाक्य बहुत बारी हुआ है। मैं ये बातें बोलती कम हूं लोगों को, कहीं कोई लोग विश्वास करते नहीं करते, पर मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किसी का मैं विश्वास जीतूं इस बारे में। मेरा अंदरूनी दिल जानता है और मैं जानती हूं कि मैंने साक्षात भगवान देखे हैं, क्योंकि जब मैं मंदिर में एंट्री कर ही रही थी, मेरी सास और मेरा देवर साथ में था, सब ऑटोग्राफ के लिए आए, एक बुजुर्ग इंसान ऑटोग्राफ के लिए आया है और सिर्फ वो मुझे कहता है, कहते हैं हाथ में ऑटोग्राफ दीजिए। मैंने देखा उनको, मैंने कहा हाथ में तो मिट जाएगा, हाथ धो लेंगे आप? बोले बहुत दिनों बाद आई हो बेटी, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ये शब्द, ये स्टेटमेंट, ये जो कहा इन बुजुर्ग इंसान ने, मैंने उनको हाथ में ऑटोग्राफ दिया, पीछे मुड़ के देखा वो इंसान, वो शख्स गायब था।
मेरे एंट्री करने पे साईं बाबा के मंदिर के दरबार में, शिरडी के साईनाथ शिरडी में मेरे साथ हुआ, ऐसा दर्शन हुए साक्षात सुबह की काकड़ आरती में। मेरे साथ अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं कि मैं इंसान खुद हूं, पर हम भगवान को देखते हैं। और हाँ, भगवान है, आपके दिल में भी है, आप भी देख सकते हैं। आप चाहे तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता, खाली आपको अपना एक इरादा मजबूत करना है तो जिंदगी में क्या हासिल नहीं हो सकता। जब दिल मानता है और दिल चाहता है कि आप भगवान को चाहते हो, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, वो आपको दर्शन हमेशा देते हैं, याद रखना ये बात। कृपा करके कोई ऐसी जगह में ना जाए जहां तांत्रिक विद्या होती है, जहां गलत काम होते हैं। मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे ये नहीं कहते कि हम भगवान है हमारे पैर छुए, ये कभी नहीं कहते। ये भगवानों की बातें करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, आपको जिंदगी की सच्चाइयां कहते हैं। ये आपको कभी नहीं कहते हैं कि यहाँ पर इतना वो करिए, ऐसे करिए, मेरा पैर, मेरे पैर में, मेरे चरणों में यहाँ पे इतना दक्षिणा दीजिए, ये नहीं होता है यहाँ पर। मैं इसीलिए इनके पास मुझे आना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ के सभी जानते हैं मेरा नेचर, डॉली बिंद्रा का नेचर क्या, मैं जो बोलती हूँ साफ बोलती हूँ। मैं किसी को ना बटर करती हूँ ना कर सकती हूँ, मेरी फितरत नहीं, मेरे खून में नहीं है। पर हम जिसे प्यार करते हैं, हम कहते हैं हाँ हम आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान, ये जो चल रही है जिंदगी, हम भगवान को ढूंढने ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और कहाँ कहाँ हो आ जाते हैं। तो जरा अलर्ट रहिए और गलत दिशा में ना जाइए, क्योंकि आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जो स्वरूप है भगवान के, जिसको आप मानते हैं, वो ही है आपके। आप बाहर ढूंढने जाओगे, आपको भगवान नहीं मिलेगा। गलत राह में भटक जाओगे, लोग भटका देंगे आपको। अपना मन तन से पूजा करिए, अपने घर के अंदर ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। जिस तरीके से लोगों ने कहा था, जब पिछले साल, कुछ साल पहले गणपति बापा दूध पी रहे थे, साइंटिफिक रीजन बताए गए थे, पर बताए गए थे, समाचार चले, अखबारों में आया, वो न्यूज आई, वो छपी, फिर वो फेड होती गई। पर ये सच्चाई है, आज भी आप गूगल करें, क्या मूर्तियां भगवान दूध पीती हैं? कलयुग है, भगवान को आना होगा, आ चुके हैं भगवान। मैं कुंती बहन के ये स्टेटमेंट से वाकिफ हूँ अच्छी तरह से, और मैं मानती हूँ इन्होंने जो कहा। हम सारे भगवान के बच्चे हैं और हम मैसेंजर हैं। हम सिर्फ उनको, हम उनसे मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम उन्हीं से मांगेंगे, और हम किसी से नहीं मांग सकते हैं, और ना मांगिए किसी से। आपको मांगना है ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक देव जी, शिव जी, उनसे मांगिए। कहीं और जाके कुछ ना मांगिए, और कहीं दरवाजे ऐसे ना खटखटाएं जहां आपको तकलीफ हो कल को जाके। क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो आप लोग जरा अपना सभी ध्यान रखिए और गलत दिशाओं में ना जाएं। यह हमारा मुंबई शहर है, वैसे भी इतनी जल्दी किसी के हाथ आता नहीं है, हम लोग समझदार हैं। मुंबई हमारी जान है और हम मुंबई से प्यार करते हैं और हम ब्रह्म कुमारी से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अशोक जी की शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जो ये गार्डन इन्होंने ब्रह्मा कुमारी को पाठ पूजा के लिए दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ दुनिया में सब कुछ होता है, पर पाठ पूजा जहाँ होती है वहाँ तो बल्ले बल्ले जी, जो बोले सो रहा, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। मैं कुंती बहन का बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा। मुझे जब जब बुलाते, मैं एक इवेंट में और जा रही थी, मैंने वहाँ कैंसिल किया यहाँ आने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं उनको निराश कर सकती हूँ पर इधर नहीं निराश करूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी। यहाँ कोई कनेक्शन ही हमारा कुछ ऐसा है, बुलावा तो इनका था, बुलावा इनका था, आया मैसेज इनका, तो ये हमारी क्या हुई, गॉड मैसेंजर हुई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं बोलने आऊंगी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी माँ के साथ हुए, मेरे साथ हुए, जो दर्शन हुए, पर यह बात है कि मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करती हूँ। कहते हैं ना कि नजर लगती है फिर दिखाई नहीं देंगे, इसलिए नहीं कहती मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे श्रेष्ठ स्थान है जहाँ पर ढेर सारी दुआएं मिलती है विदाउट एनी कंडीशन, जहाँ सच्चे दिल से उसके सामने हाजिर हो तो वह सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है।